हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक अर्जेंट वैकेंसी लेकर आ रहा हूँ। वो अर्जेंट वैकेंसी कौन सी है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही दोस्तों, पोस्ट की बात कर लूँ तो दोस्तों 76 टोटल पोस्ट इसमें रहने वाली है। हेल्पर और MTS के लिए पदों पर भर्ती की जा रही है। सिर्फ दोस्तों 10th पास बेस्ड है इसमें, और कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं मांगी गई। आप फ्रेशर आवेदन इसमें कर सकते हैं। जी हाँ, कैंडिडेट इंडिया के किसी भी कोने से आप बिलोंग करते हो कोई मैटर नहीं है दोस्तों। ये सेंटर की गवर्नमेंट वैकेंसी रहने वाले हैं, यानी दोस्तों ये दिल्ली के अंतर्गत वैकेंसी है। इसके अलावा दोस्तों, कहाँ पे प्रॉपर रूप से इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेज दूंगा, वहाँ से आप इसको पूरा रीड कर पाओगे। साथ ही साथ दोस्तों, इसकी जो जानकारी मैं दे दूँ कि दिल्ली के ICSIL के अंतर्गत ये वैकेंसी आई है। इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं रहने वाला। आपकी एज लिमिट की भी बात करूँ तो दोस्तों, एज में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें एज भी काफ़ी छूट दी गई है। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, अपनी इस वैकेंसी को स्टार्ट करते। साथ ही साथ दोस्तों, एक बात और बता दूं कि हमारे जो गवर्नमेंट जॉब का चैनल है, इसको आपको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो एक बार सपोर्ट ज़रूर कीजिए, ताकि दोस्तों हम भी आपके लिए इजी गवर्नमेंट जॉब लाते रहें। साथ ही दोस्तों, चलते हैं अपनी इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन के ऊपर। दोस्तों, नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे, इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड के ओर से ये वैकेंसी का प्रॉपर बताया गया है। इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दोस्तों आप नोट करके रखें, यही आपको जरूरी पड़ सकता है दोस्तों। इसके अलावा आप डेटेड देख पा रहे हो कि ये नोटिफिकेशन कब का है, यानी 28 फरवरी 2024 का ये नोटिफिकेशन रहने वाला है, जिसके अंतर्गत दोस्तों हेल्पर और MTS की वैकेंसी का एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किया गया है। ये वैकेंसी आपके लिए ऑनलाइन रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, दिल्ली कंज्यूमर कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर लिमिटेड की ये वैकेंसी रहने वाली है। इसके अंतर्गत आपकी बात करें कि हेल्पर के लिए दोस्तों 76 टोटल पोस्ट बताई गई है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ 8वीं पास मांगी गई है। इसके अंतर्गत दोस्तों, आपकी एज लिमिट 50 साल तक रहने वाले हैं, यानी दोस्तों आपको इसमें एज के बारे में और एजुकेशन के बारे में कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। इसके अंतर्गत दोस्तों, आपको कम जो सैलरी है वो कितनी दी जाएगी वो मैं बता देना चाहता हूँ। आप चाहे अनस्किल्ड हो चाहे स्किल्ड हो, इसमें कोई मैटर नहीं करेगा। इसमें साफ लिखा है, अगर आप अनस्किल्ड हो तो भी आपको 17,494 रुपये पर मंथ आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको दोस्तों, EPF एंड ESI का जो पर रूल्स का भत्ता है, उसके अनुसार भी आपको भत्ता भी दिया जाने वाला है। इसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों, कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू द लिंक हाउ टू अप्लाई फॉर करंट जॉब्स विच इज अवेलेबल ऑन द करंट जॉब सेंक्शन अंडर करियर टैब। यानी दोस्तों, आपको मैं जो इसकी साइट बताऊंगा, साइट के ऊपर जाने के बाद आपको एक करियर टैब मिलेगा, उसके अंतर्गत पूरी तरीके से बताया गया है कि आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू इंटर कम्प्लीट, इसमें दोस्तों आपको बताया गया है कि आपको पूरी एजुकेशन की डिटेल इसके अंतर्गत डालनी है और सारी जानकारी इसके अंतर्गत दी गई है। इसके अंतर्गत दोस्तों, आपको जैसे जॉब के दिन के बात की गई है कि आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस आपसे 1,000 रुपये ले जाएंगे, लेकिन वो कब ले जाएंगे, वो चार्ज किए जाएंगे तो फाइनल आपका ज्वाइनिंग होगा उस दिन के अंतर्गत। वहीं पे दोस्तों, आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा और 1,000 रुपये आपसे चार्ज लिया जाएगा, वो दोस्तों सिक्योरिटी चार्ज होगा, आपको नॉन रिफंडेबल रहने वाला है। जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे पैनल, उनको दोस्तों आपको जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट चेक होगा, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, सारा दोस्तों प्रॉपर चेक आपका क्राइटेरिया होने वाला है। इन केस ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट इस प्रायोरिटी एक्सीड नंबर ऑफ, यानी आपको ज़्यादातर कैंडिडेट हो जाते हैं तो इनका इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, और कोई गारंटी इसके अंतर्गत नहीं दी जाती है। और भी दोस्तों, आपको जाते समय एक चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखना है कि कैंडिडेट सेल फॉलो द COVID-19 SOPs, जो COVID-19 SOP है उसको पालन आपको करना होगा। अगर आप दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो इसके थ्रू की साइड, तो आपको 10th का जो सर्टिफिकेट है वो, पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर, जो भी इसके अंतर्गत बोला गया है वो आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार करने हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको जो कैंडिडेट का बता देता हूँ कि इसकी साइट क्या है, आप इसकी साइट ऑलरेडी नोट करके रखिए, उसके बाद में चलते हैं इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाले हैं। तो दोस्तों, www.icsil.in इसकी ऑफिशियल साइट है, वहाँ पर जाके दोस्तों आप इसका ऑनलाइन आवेदन भर सकते हो। उसके लिए दोस्तों, आपको मैंने बताया जिस प्रकार करियर टैब में आपको जाना है, वहाँ पे आपको जानकारी दी हुई है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। अगर ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है वीडियो पर, जितना अगर 50+ कमेंट्स आते हैं वीडियो कैसे बनाना है,
फॉर्म कैसे बनाए, तो उसके लिए मैं दोस्तों अलग ही वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन अगर उससे कम कमेंट आए तो भी दोस्तों ये पॉसिबल नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों जो इम्पोर्टेंट डेट्स रहती है वो मैं बता देता हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंट डेट क्या रहने वाली है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट डेट जो ओपनिंग टाइम है दोस्तों वो 5 बजे का ओपनिंग है, 2/3/2024 यानी 2 मार्च से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे और 5 मार्च तक ही इसके फॉर्म चलने वाले हैं। यानी आपके पास टाइम काफ़ी कम है, तो दोस्तों जो टाइम आपको मिला है उस टाइम के अंतर्गत जल्दी से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। तो दोस्तों आपके लिए वैकेंसी जल्दी से जल्दी लेकर आ रहे हैं, इसके लिए ज़रूरी आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल इसमें इतना ही। जय हिंद, जय भारत।